दिन सोमवार का और आधी रात फास्ट भी रहता है, तो मैंने सोचा था कि अब मंदिर दर्शन के लिए जाऊंगी तो आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगी, इसीलिए मैं मॉर्निंग टाइम पे नहीं आई थी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पर काफ़ी रश रहता है, इसलिए मैं इवनिंग में आई हुई हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से मंदिर के दर्शन करा सकूँ और ये ब्लॉग भी अच्छे से कम्प्लीट कर सकूँ। तो गाइस चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों मंदिर दर्शन तो मैंने आप लोग को करवा दिए हैं, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। देखिए शाम होते होते दोस्तों यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ हो जाती है, काफ़ी रश हो जाता है शाम होते होते। ये जो मंदिर है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, बोलते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो तभी शिवलिंग यहाँ पर बाहर आए हुए थे। ये मंदिर जाड़ेश्वर रोड बडालडा में स्थित है, आप लोग यहाँ दर्शन के लिए किसी टाइम भी आ सकते हैं। ये देखिए ये 1008 शिवलिंग के नाम ये वॉल पे हैं, बोलते हैं 1008 हैं ये, मैंने गिने तो नहीं बट 1008 ही होंगे, पंडित जी बता रहे थे। ये मंदिर सुबह 6 बजे से शाम को 9 बजे तक खुला रहता है, आप लोग कभी भी आके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये हनुमान जी का भी मंदिर है पास में ही। यहाँ नीचे पूरी नर्मदा नदी बहती है, वहाँ पर मतलब बोटिंग वगैरह भी रहती है। चलो मैं आपको ले चलती हूँ, दिखाती हूँ नीचे। टिकट कितना है? एक आदमी का पता ना, तो 2 जने आप कैसे ले जाओगे? बुक करके कह रहे हो? हाँ 200 रुपये लगेगा। अच्छा गाइज यहाँ पे भैया बता रहे थे कि हम लोग 5 लोगों को लेके जाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग तो 2 ही थे तो बोल रहे थे कि वैसे तो 50 रुपये है टिकट बट 200 रुपये लगेगा, तो हमने सोचा क्या अभी जाएं 2 ही जने, अभी थोड़ी देर में भीड़ तो हो ही जाएगी तो फिर चलेंगे साथ में, तब तक थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। ये देखो ये हम आ चुके हैं मनन आश्रम। गाइज ये आश्रम मंदिर से थोड़ा ही दूरी पे है ऊपर, काफ़ी लोग को पता नहीं है, आप मतलब जब मंदिर आए तो ऊपर जरूर आइएगा, अंदर बहुत ही प्यारा व्यू है, अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी। ये मॉर्निंग में 6 से 11 बजे तक ओपन रहता है, शाम को 4 से 7 बजे तक। चलो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। सो गाइज आप लोग को ये आश्रम कैसा लगा अंदर से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ बहुत प्यारी सी, वो देखिए यहाँ पर बहुत ढेर सारे पिकॉक हैं, इतने प्यारे प्यारे से, बट ये अपने पंख बड़े मुश्किल से इसने फैलाए हैं, अभी मैं पास जाऊँगी तो ये बंद कर देगा पक्का। वाह देखो कितना प्यारा लग रहा है।
ये है आश्रम के अंदर की ब्यूटी, सो ब्यूटीफुल। गाइज अब हम जा रहे हैं ऊपर, शिवलिंग है वहाँ, उसके दर्शन के लिए। चलो आपको दिखाती हूँ। नर्मदा पार्क में, बबरे बड़ा ही ढलान है भाई। ये है यहाँ की पार्किंग गाइस, ये देखिए ये है नर्मदा पार्क। अभी मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। ये सामने टिकट काउंटर है, ये देखिए 10 रुपये टिकट है यहाँ का। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. भैया कितने का है ये? 20 रुपए का। सो गाइज़ ये पार्क आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीकेंड में भी आप फैमिली के साथ आके काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पार्क है ये। सो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आप लोग को वीडियो में क्या क्या पसंद आया प्लीज़ ये कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।